हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल रोहित हेयर कट ट्यूटोरियल में। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कलरिंग का वीडियो, जिसमें हम ग्लोबल विथ हाईलाइट करेंगे। तो सेक्शनिंग आप लोग देख सकते हो कि जो क्राउन एरिया है उसे मैं अच्छी तरीके से क्राउन कर लिया है और उसे हमने किया है क्लिपिंग। और जो ईयर टू ईयर का सेक्शन है उसे हमने थोड़ा सा ब्रॉड लिया है, क्योंकि हमें हाईलाइट्स करना है इसलिए हमने थोड़ा सा सेक्शन ब्रॉड किया है। और बैक साइड में जो हेयर्स है उसे हमने कर दिया है क्लिपिंग। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हाईलाइट करना, देन उसके बाद ग्लोबल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने बैक साइड से एक पतला सा सेक्शन लिया और उसे हम लोग अब पतले पतले सेक्शन में वीविंग निकालेंगे और उसे फॉइल पेपर की हेल्प से उसमें हम कलर को अच्छी तरीके से मर्ज करेंगे। तो देखिए, कलर लगाने का एक तरीका बहुत ही प्रॉपर तरीके से, पूरे वीविंग का जो सेक्शन है उसमें आप लोग का कलर अच्छी तरीके से हाईलाइट लगना चाहिए। यह अभी फ़िलहाल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लॉन्डर की हेल्प से, जिसमें हमने 30 वॉल्यूम का जो डेवलपर है उसे यूज़ किया है ब्लॉन्डर में, और उसे बाद में हम उसमें कलर डिपॉजिट करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आपको वीडियोस का जो भी हेयर कट और जो हमने प्रॉपर तरीके से स्टाइलिंग और हेयर कलरिंग किया है वो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, पतले पतले वीविंग सेक्शन में हम लोग एक अच्छा सा वीविंग निकाल रहे हैं। आप लोग देख सकते हो, बहुत पतले वीविंग निकाल रहे हैं ताकि हमारे जो हेयर से बहुत ही फाइन और एकदम ऑसम दिखे। ज़्यादा थिक निकालने से हेयर्स का जो कलर है वो कुछ ज़्यादा ही ओवर दिखने लगता है। तो देखिए, हमने पूरा फॉइलिंग को अच्छी तरीके से उसमें मर्ज कर रहे हैं जो हमने ब्लॉन्डर मिक्स किया है। ब्लॉन्डर आप लोग कोई भी कंपनी का ले सकते हो, लॉरियल का, स्ट्रिक्स का, शॉस्कॉफ का, सब बेस्ट होता है। बस आप लोग को डिसाइड करना है कि आप लोग को डेवलपर कितना कौन सा वॉल्यूम का डालना है, 20 डालना है, 30 या 40, उस हिसाब से आप कलरिंग करिए और हाईलाइट आपको बहुत ही ऑसम मिलेगा। तो जब भी आप लोग सेक्शनिंग निकालिए, सेक्शनिंग ध्यान में रखिए कि सेक्शनिंग आपका बहुत ही पतला होना चाहिए, बहुत ही थीन होना चाहिए, जिससे आपका जो हाईलाइट है वो बहुत ही प्रोफेशनली ढंग से दिख के आएगा। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रॉपर तरीके से पूरा हाईलाइट करते जा रहे हैं। जिस तरह हम बैक साइड में कर रहे हैं, उसी साइड में हम साइड का जो ईयर टू ईयर का सेक्शन है उसे भी उसी टाइप में करेंगे। उसके बाद आप लोग देखना कि मैं ग्लोबल भी करने वाला हूं, और इनके हेयर्स में थोड़ा सा ग्रे हेयर्स का भी प्रॉब्लम है, तो उसे भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मुझसे बातें करना चाहते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है हेयरस्टाइलिशरोहित। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मैं सारे पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ, आप देख सकते हो। तो देखिए, अब हम आ गए हैं साइड के सेक्शन में ईयर टू ईयर। वहाँ पे भी सेम हम पतले सेक्शन ले रहे हैं और उसके बाद हम उसे कर रहे हैं अच्छी तरीके से फॉइल में पैक, जो हमारा ब्लॉन्डर है उसे यूज़ करने के बाद। तो आप लोग जितना ही थिन थिन सेक्शन लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि अगर ज़्यादा थीक हो जाता है तो हेयर्स में जो कलरिंग है वो प्रॉपर तरीके से लग नहीं पाता और रिज़ल्ट भी उतना कुछ खास नहीं आता। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा वीडियो फास्ट करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग को मैं इस 10 मिनट के वीडियो में ग्लोबल, टचअप और जो हमारा हाईलाइट है वो पूरा वीडियो में इसमें मैं कवर कर पाऊँ। तो आप लोग को ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिलेगा, जिससे आप लोग बहुत आसान तरीके से अपने घर बैठे हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर आप लोग बिगनर हैं तो आप लोग को बहुत ही इसमें हेल्प मिलेगा कि हाईलाइट हमें किस तरह करना है। तो देखिए, हमारा जो फ्रंट का जो हमारा फ्लिक्स था उसे भी हमने अच्छी तरीके से कर लिया है हाईलाइट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टचअप देना। टचअप में जो हमने कलर यूज़ किया है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा जब हम लास्ट में पूरे हेयर्स को ग्लोबल करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि टचअप के लिए मैंने कौन सा कलर यूज़ किया है। तो देखिए, आप देख सकते हो कि इनके हेयर में कितने ग्रे हेयर हैं, तो उन ग्रे हेयर को मैं अभी फ़िलहाल टचअप करके कवर कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिए, फॉइल होने के बाद हम लोग टचअप स्टार्ट करेंगे फ्रंट से। फ्रंट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फ्रंट में ज़्यादा कवरेज दिखते हैं। तो आप लोग फ्रंट को प्रॉपर तरीके से पहले जितने भी वाइट हेयर हैं उनको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए टचअप के हिसाब से। फिर उसके बाद में हम लेंथ में जब हम कलर करेंगे, तब मैं आपको बताऊँगा कि टचअप में मैंने किस टाइप का ट्यूब लिया था और मैंने कैसे टचअप किया। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि अभी बहुत से हेयर कट के और हेयर ट्रीटमेंट के वीडियोस आने वाले हैं। और अगर मेरे इंस्टाग्राम पर अभी तक आप लोग ने फॉलो नहीं किया तो रोहित हेयर स्टाइलिश, आप लोग जाकर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैं शॉस्कॉफ का क्रीम यूज़ कर रहा हूँ, 7 स्ट्रोक 55। उसमें मैंने जब टचअप किया तो भी मैंने 7 स्ट्रोक 55 का ही क्रीम यूज़ किया। बस मैंने फ़र्क इतना था कि जब मैं टचअप किया तो उसमें 20 वॉल्यूम का डेवलपर यूज़ किया था, देन अभी लेंथ में मैं 40 वॉल्यूम का डेवलपर यूज़ करूँगा।
तो आप लोग समझ गए कि मैं टचअप में कौन सा क्रीम यूज़ किया था। जी हाँ, 7-Stroke 5 शॉस्कॉफ का 20 वॉल्यूम में। लेकिन अब मैं लेंथ में यूज़ करने जा रहा हूँ, तो लेंथ में हम करेंगे 7-Stroke 5 40 वॉल्यूम। बस हमारा डेवलपर का फ़र्क है, रूट में जब हम कर रहे हैं तो 20 वॉल्यूम, लेंथ में कर रहे हैं तो 40 वॉल्यूम। आप लोग इतना ध्यान रखना, 40 वॉल्यूम का डेवलपर आप लोग कभी भी रूट में इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकता है उनके रूट में, और 40 वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है, उनको डैंड्रफ या फिर ईचिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, 40 वॉल्यूम हमेशा लेंथ पर करिए और 20 वॉल्यूम ही आप लोग रूट पर करिए। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रॉपर तरीके से मल्सीफाई करते हुए पूरा ग्लोबल कलर उनके लेंथ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोग ने आज इसमें 3 चीज़ सीखा, पहले तो हाईलाइट, देन उसके बाद में टचअप, और उसके बाद जो लेंथ पे हम ग्लोबल कलर कर रहे हैं वो। तो ये तीनों चीज़ों हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया, एक ही बार में। बहुत लोग करते हैं कि हाईलाइट करने के बाद फिर उसे वॉश करते हैं, फिर देन उसके बाद ग्लोबल करते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है और हमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है कलरिंग करने में। लेकिन इसमें आप लोग को डायरेक्टली सब एक साथ आपका काम हो रहा है, आप लोग को बिल्कुल भी 2 या 3 बार वॉश करना नहीं पड़ रहा, एक ही बार के वॉश में आपका पूरा हेयर कलर कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखिए, हमारा रूट, टचअप, ग्लोबल हेयर कलर और हाईलाइट तीनों चीज़ें हमारे हो चुके हैं। अब हम इसे करेंगे 35 मिनट्स में वॉश। तो 35 मिनट्स में जब हम वॉश करेंगे, तभी हम जो ब्लॉन्डर हमने यूज़ किया था उस पर हम कलर डिपॉजिट करेंगे 7-Stroke 5 का 20 वॉल्यूम में ही। तो उसे हम, जो हमने रूट टचअप के लिए यूज़ किया था, वही हम सेम जो हमारा ब्लॉन्डर किया हुआ हाईलाइट का जो हेयर कलर है उसमें हम उसे अच्छी तरीके से डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट करने के बाद उसे शैम्पू से वॉश करना है, शैम्पू से वॉश करने के बाद में फिर उसे कंडीशनर से उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। अब आप देख सकते हो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना ऑसम रिजल्ट आया है और बहुत ही अच्छा शाइनिंग आया है। अब इसे स्टाइलिंग के लिए आयन भी कर सकते हो या फिर कर्ल्स भी देंगे तो भी आपको एक बहुत ही ऑसम सा बेहतरीन लुक मिलेगा। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि ये वीडियो में जो मैंने हेयर कलर किया है वो आपको पसंद आया या नहीं। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी इसी टाइप के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। और अगर मुझसे बातें करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @stylishrohit, आप लोग उस पर जाकर मुझे फॉलो करिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हाँ, वीडियो को इसी तरह आप लोग अपना प्यार देते रहिए।